हेलो डियर, गुड मॉर्निंग्स। क्लास एट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या ब्राइट कर रखा है बेटा, इज 8/9 द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ -1 × 1/8, वाई और वाई नॉट। कहना क्या चाह रहा है कि अपना 8/9 है वो इस -1 × 1/8 का मल्टीप्लाई इनवर्स है या नहीं है, है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो बेटा अगर अपने पास इसको और इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर अगर अपनी वैल्यू इक्वल किसके आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी, तब तो अपना ये क्या होगा, मल्टीप्लाई केटिव इनवर्स होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सोल्व करते हैं इन दोनों को। तो सो यहाँ पर क्या करते हैं, इनको सोल्व। तो बेटा 8/9 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, माइनस का 1 × 1/8 से। अगर इनका सोल्व करने पर वैल्यू अपनी इक्वल किसके आ जाएगी, 1 के, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई केट यूनिवर्स तो होगा, यानी कि यस हो जाएगा, अगर नहीं है तो नो हो जाएगा। सोल्व करते हैं तो 8/9 मल्टीप्लाई 8 बन जा 8, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई कितना जाएगा 8, इसमें प्लस कितना कर देंगे 1/8। इसको आगे और सोल्व करते हैं तो अपने पास कितना जाएगा, 8/9 मल्टीप्लाई -8 बन जा 8 प्लस का 1/8। इसको आगे और सोल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/9 मल्टीप्लाई -8 में 1 ऐड करें कितना, माइनस का 7/8, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ पर 1 1, तो 1/9 मल्टीप्लाई माइनस का 7/1, प्लस माइनस को दे बेटा -7 × 7/9। देखो यहाँ पर अपना आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 7/9 आ रहा है, मीन्स 1 आंसर नहीं आ रहा ना, इसलिए हम क्या कह देंगे, नॉट या नो। क्या है जे, नो, ये क्या नहीं है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, नो। ओके, अगर 1 आता तो इसमें क्या जाता, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा इसका, 9, क्वेश्चन नंबर 9। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इज 0.3 द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ 3 × 1/3 वाई और वाई नॉट। यानी कि इसको भी हमें चेक करना है कि जो 0.3 इस 3 × 1/3 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो बेटा इसको सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर इसकी वैल्यू इक्वल किसके आ जाएगा, 1 के, तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपना सॉल्व, तो 0.3 को मल्टीप्लाई किससे करें बेटा, 3 × 1/3 से करें मल्टीप्लाई, 3 को मैं राइट लिख रहा हूँ, इसकी डेसिमल हटा दें तो डेसिमल हटाएंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 3/10, क्यों यहाँ पर 1 पॉइंट की जगह, तो 1 पॉइंट क्या, ओनली 1 नंबर है तो 10 मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 × 3 और प्लस में कितना ऐड कर देंगे, 1/3। इसको आगे सोल्व करते हैं तो 3/10 मल्टीप्लाई 3 × 9 प्लस में 1/3, आगे सोल्व करते हैं तो 3/10 मल्टीप्लाई 9 ऐड करेंगे तो 10/3, 10 × 10, 10 × 10, 3 × 3, 3 × 3, तो 1/1 मल्टीप्लाई 1/1 मीन्स 1 × 1, 1 × 1, 1 को 1 से डिवाइड करके कितना आ रहा है, 1 आ रहा है बेटा, तो सो क्या कह देंगे, यस, क्या कह देंगे, यस, ये इसका क्या होगा, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होगा। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इसको अपने सब नोट में नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं 10 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन कौन सा है, 10 ब्राइट, मींस इसमें हमें ओनली लिखना है 10 का फर्स्ट द
नेशनल नंबर डेट डज नॉट हैव ए रिपोकल मीन्स द नेशनल नंबर डेट डज नॉट हैव ए रिपोकल. ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका रिपोकल नहीं होता है. रिपोकल मीन्स जो नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जैसे उसको रिपोकल्स में हम क्या करते हैं, बॉक्स में से हटाते हैं, तो अपने पास वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है. तो एक जीरो एक ऐसा नंबर होता है जिसका रिपोकल्स नहीं होता है. क्यों, जीरो वैल्यू ओनली क्या होती है, जीरो ही होती है जब प्लस में हो या माइनस में. तो इसका आंसर क्या जाएगा, जीरो. ओके, इसका सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, द नेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रिपोकल्स. क्या का आंसर है, द नेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रिपोकल्स. ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रिपोकल्स क्या होता है, इक्वल वे होता है. तो बेटा क्या लिख देंगे यहाँ पर, वन एंड माइनस वन. इनका यानी प्लस वन का रिपोकल निकालें तो भी कितना आएगा, प्लस वन आएगा. माइनस वन का रिपोकल निकालेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस का वन आएगा. ओके, एंड इसका लास्ट टेन का थर्ड क्वेश्चन है, द नेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट इज नेगेटिव. मीन्स द नेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट इज ए नेगेटिव. ऐसा कौन सा नंबर है जिसका नेगेटिव नंबर भी क्या आता है, इक्वल वे आता है. क्या होता है बेटा, जीरो. जीरो का चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव सिवर क्या रहती है, जीरो ही रहती है. ओके, क्वेश्चन नंबर टेन इज कम्प्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 11, जिसको हम क्या करें सॉल्व कर रहे हैं. 11 में क्या रखा बेटा, मैं फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट दे रखा है. 11 का फर्स्ट, जीरो हैज नॉट डॉट 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 रिपोकल. जीरो का रिपोकल क्या होता है, तो बेटा जीरो का रिपोकल क्या नहीं होता है, यानी कि जीरो का रिपोकल नहीं होता है. इसमें क्या जाएगा, नो. क्या जाएगा इसमें, नो. सेकेंड, द नंबर डॉट 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 एंड डॉट 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 आर देयर ओवन रिपोकल. तो अभी हमने बताया था कि वन एंड माइनस वन के क्या वैल्यू होती है, रिपोकल में सेम होती है. तो यहाँ पर कितना जाएगा, वन प्लस का और यहाँ पर माइनस का वन. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना थर्ड, द रिपोकल ऑफ माइनस फाइव इज डॉट 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 डॉट. मीन्स हमें माइनस फाइव का क्या बताना है, रिपोकल. रिपोकल मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट. तो इसके अपोन कितना लगा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, वन. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन फाइव. कितना जाएगा,
माइनस का 1/5। ओके, एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ, रिपोकल रिपोकल ऑफ 1/x वेयर एक्स नॉट इक्वल वे 0 इज डॉट 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 मीन्स 1/x का रिपोकल क्या होगा जहाँ पर x नॉट इक्वल किसके है 0 के। तो बेटा इसका कितना जाएगा, x क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यों, x अपना डेनोमेटर में है, रिपोकल में कहाँ से जाएगा न्यूमेटर में, और 1 किस में आ जाएगा डेनोमेटर में, तो x को 1 से डिवाइड करने कितना जाएगा x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इसका, 5, द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नेशनल नंबर नेशनल नंबर्स नंबर्स इज ऑलवेज ए डॉट 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 डॉट। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नेशनल नंबर्स इज, यानी कि टू नेशनल नंबरों को क्या करें मल्टीप्लाई करें तो उनकी वैल्यू किस में आएगी, ऑलवेज किस में आएगी, नेशनल नंबर्स में आएगी बेटा, किस में आएगी, नेशनल नंबर्स में। यानी कि टू नेशनल नंबर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, नेशनल नंबर ही आएगा। एंड इसका लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 6, द रिपोकल ऑफ ए पॉजिटिव पॉजिटिव नेशनल नंबर्स नंबर इज। देखो क्या कहना चाह रहा है, द रिपोकल ऑफ पॉजिटिव नेशनल नंबर, तो पॉजिटिव नेशनल नंबर का रिपोल क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव ही आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसमें डॉट डॉट में क्या जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो सो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के बारे में स्टडी करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों का अपनी सपनों को नोट कर लेना, ये आपके होमवर्क के रूप में काम में आएंगे। थैंक यू।